गाड़ी है होंडा और उसका जो मॉडल है अमेज VX और इसका जो 2013 मॉडल गाड़ी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा नज़दीक में जाकर दिखा रहे हैं। 13 मॉडल है। इसमें क्या हुआ था कि इसका जो चाबी का स्विच था, ये वाला इसका पुराना वाला है, ये ख़राब हो चुका है दोस्तों। ठीक है, अब ये इसमें क्या है, देख सकते हैं आप, इसका पुराना चाबी पूरी तरीके से खिया जाने के वजह से ये चाबी लॉक फंस रहा था। तो इसको मैंने सारा खोल के और ये दो नई चाबी वाली लॉक सेट है जो इसको यहाँ पे हमने फिट कर दिया। ये मलाइजर है इसका नया और ये पूरा सेटअप किया हुआ है। और जैसे ही हम इसको इस चाबी से इग्निशन ऑन करेंगे तो ये जो सिक्योरिटी लाइट है ब्लिंक करने लगता है दोस्तों। ठीक है, और गाड़ी सेल्फ लेगी, बट स्टार्ट नहीं होगी। देख सकते हैं आप, वापस दूसरी चाबी से भी लगा कर दिखाते हैं आपको, इससे भी सेल्फ मारेंगे तो स्टार्ट नहीं होगी गाड़ी। तो इसका सॉल्यूशन यही कि इसको कोडिंग करना पड़ेगा, और दूसरा चाबी में भी लाइट फ्लस कर रहा है। कोडिंग करने के लिए हमने अपना स्कैन प्लस एक्स स्कैनर है, ये इसका कनेक्टर यहाँ पे फिट कर दिया है और इसमें लाइन आ रहा है दोस्तों। अब हम इसकी करेंगे कोडिंग, उसके लिए हम गाड़ी में बैठते हैं और ये इसको पूरा साइड करते हैं। और हमारा ये रहा अपना, देख सकते हैं वापस एक बार, यहाँ से मैं इग्निशन ऑफ करके फिर ये वाला जो रिमोट वाला लगाया मैंने, ओके किया, ऑन किया, ये सिक्योरिटी लाइट प्लस करने लगा। अब यहाँ पे हमें कोडिंग ऑन करके यहाँ पे जाना है, सीधा सा को स्कैन प्लस एक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से लोकल डायग्नोसिस में जाना है, ACN में जाएंगे आप। ACN में जाने के बाद आपको यहाँ से होंडा मिलेगा, उसके बाद आपको ओके करना है। यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर में ओके मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से 16 पिन कनेक्टर में सेलेक्ट करना है, जनरल में जाना है, ये आपको ऑटोमेटिक विन नंबर डिटेक्ट करेगा जिसका हमें ज़रूरत पड़ेगा कोडिंग के टाइम पे, क्योंकि आप कोडिंग करने जाएंगे तो इसका विन नंबर या चेचिस नंबर जो होता है वो मांगता है गाड़ी। ठीक है, तो ये इसका डिटेल्स है, हम इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ठीक है, और यही इसका चेचिस नंबर है, तो इस चेचिस नंबर को हम एक कॉपी कर लेते हैं गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू, ताकि हमें टाइप ना करना पड़े। तो इसको हम नीचे की तरफ लेते हैं, ट्रांसलेटर खोलते हैं गूगल ट्रांसलेटर, और यहाँ पे कैमरा पे ओपन करके यहाँ प्लस पे क्लिक करते हैं, और आपको यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट को ये करना है स्कैन, फिर यहाँ से आप इस तरीके से कर लेंगे तो आपको ये पूरा मिल गया। और यहाँ से इसकी जो ये है हमें चेचिस नंबर, यहाँ से कॉपी कर लेना है और इसको क्लोज कर देना है। फिर वापस यहीं पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे, सीधा हमें सर्विस सिस्टम सिलेक्शन में जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, इमोबिलाइजर पे क्लिक करना है। अब ये इमोबिलाइजर का टाइप है, ओके करेंगे, यहाँ पर इमोबिलाइजर सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब वेला के प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए आपको, कहाँ पे क्या करना है और डिलीट रीसेट वगैरह सब कुछ पढ़ के और ध्यान में समझ के करना है। तो हमने यहाँ से ओके किया। ओके करने के बाद आपको यहाँ से रिप्लेस ईमो यूनिट, चूँकि हम नया इमोबिलाइजर डाल रहे हैं तो रिप्लेस ईमो यूनिट पर क्लिक करना है। कितनी चाबी करनी है आपको पूछा जा रहा है, दो चाबी करने में, दो यहाँ डाल के यहाँ से ओके कर देंगे। अब बोला है स्विच ऑफ करने के लिए, स्विच ऑफ किया। यहाँ ध्यान रखना कि जितने जैसे जैसे बोला है स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्विच ऑन करने के लिए स्विच ऑन कर दिए। अब यहाँ से कम्युनिकेट कर रहा है, और जितने टाइम के अंदर बोलेगा स्विच ऑफ करने के लिए उतने टाइम के अंदर स्विच ऑफ करना है, और जितने टाइम में स्विच ऑन करना है उतने टाइम में स्विच ऑन भी करना है। तो ये हमारा प्रोसेस अभी कोडिंग का चालू हो चुका है। और बोला स्विच ऑफ करने के लिए, वापस से स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, और यहाँ से ओके करेंगे, फिर से बोला स्विच ऑन करने के लिए, स्विच ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन हो गया। वापस ओके करेंगे यहाँ से, देख ले गाड़ी में कैसा कैसा सिस्टम है। यहाँ से फिर से स्विच ऑफ करना है, देखा स्विच ऑफ कर दिया। ठीक है, फिर से स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन कर दिए। उसके बाद बोल रहा है कि विन नंबर डालने के लिए, यहाँ से हमने विन नंबर डाला, पेस्ट किया, ओके कर दिया। ये बोल रहा है कि विन नंबर आपने जो डाला वो सही है कि नहीं, तो हमने ये विन नंबर सही से डाल दिया है। अब यहाँ से यस पे क्लिक करेंगे। अब वापस से स्विच ऑफ करना है, फिर से स्विच ऑफ कर दिया, और स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन किया। अब वेट करने के लिए बोल रहा है, स्विच ऑफ करना है, फिर से स्विच ऑन करना है,
अब बोला है कि स्विच ऑफ इग्निशन विद इन 16 सेकंड, तो स्विच ऑफ कर दिया। अब बोला है टर्न द स्विच ऑन विद अनदर की इन 20 सेकंड, अब 20 सेकंड के अंदर दूसरा चाबी यहाँ पे आपको लगा के इग्निशन ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन कर दिया, फिर से दूसरी चाबी वाले से ही इग्निशन ऑफ कर देना है। फिर से कह रहा है कि इग्निशन ऑन करना विद इन 20 सेकंड, तो ऑन कर दिया विदाउट चेंजिंग की। फिर से ऑफ करना है, ऑफ कर दिया हमने, फिर से ऑन कर दिया, हमारा प्रोसेस सब लास्ट स्टेज में जा चुका है, ठीक है। अब कह रहा है कि डज द इमोबिलाइजर इंडिकेटर लाइट गोज ऑफ, यानी कि जो इमोबिलाइजर की सिक्योरिटी का लाइट है वो चला गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिक्योरिटी लाइट चला गया हुआ है। तो अब यहाँ पे जाके हमें यस पे क्लिक करना है, बोला वापस से स्विच ऑफ करने के लिए, तो स्विच ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। फिर से स्विच ऑन करना है, स्विच ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। अब बोला है कि द रजिस्ट्रेशन कोड हैज बीन कंप्लीटेड टर्न द स्विच, अब जो हमारा रजिस्ट्रेशन था वो कंप्लीट हो गया है, अब स्विच ऑफ करना है, वापस से स्विच ऑफ कर दिया और यहाँ से जाके ओके करेंगे। अब कह रहा है कि चेक ऑल द क्लीज इंश्योर दैट इंजन विल स्टार्ट, अब सभी चाबी से चेक करना है कि इंजन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, यहाँ से ओके करेंगे। और इग्निशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, तो हमने इग्निशन यहाँ से ऑन कर दिया। अब देखिए सिक्योरिटी लाइट आके चला गया, वापस से स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑन किया सिक्योरिटी लाइट आके चला गया, स्विच ऑफ स्विच ऑन सिक्योरिटी लाइट आया और चला गया। अब स्टार्ट करेंगे, इससे मैंने न्यूट्रल चेक कर लेते हैं, और जो हमारा सिक्योरिटी लाइट आके और चला जा रहा है देख सकते हैं आप वापस से, और ये जो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई है, आप आरपीएम का काटें आज देख सकते हैं और इंजन की आवाज़ भी सुन सकते हैं। इससे एक चाबी से हमारा ये वाला जो था स्टार्ट हो गया, अब इसको निकालेंगे और ये जो दूसरी चाबी है इसको भी लगा के यहाँ से ऑन करेंगे। वापस से दिखाते हैं, स्विच ऑफ किया, स्विच ऑन किया, दूसरी चाबी से भी सिक्योरिटी लाइट आके चला जा रहा है। अब स्टार्ट करते हैं, ये भी स्टार्ट हो गया, यहाँ से देखिए ये आरपीएम इसका उठ गया। इस तरीके से हमने जो स्कैन प्लस एक्स स्कैनर था उसका इस्तेमाल करके दोनों चाबी की कोड कर दिए और हमारा गाड़ी स्टार्ट हो गया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।